इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास दोस्तों। करने को तो कई सारे बिजनेस होते हैं, लेकिन नहीं, किसी किसी को तो बस चोरी ही करनी होती है। ये लोग चोरी करने में इतने माहिर होते हैं कि आपके सामने से ये चोरी करके भाग जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो केम छो बका, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार आप इस वीडियो को देख लो। क्या आप में से कोई कमेंट करके मुझे बता सकता है कि ये बाइक वाला बंदा किस वजह से गिरने वाला था? और क्या आपको पता है कि स्लो बाइकर्स को रोड के किस साइड में चलना चाहिए? कमेंट करके मुझे जरूर से कहे। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि पापा की परियां आसमां में उड़ने की आदि होती है, और इसीलिए वो बेचारी जमीन पर ठीक से स्कूटी नहीं चला पाती। जैसे कि इस मोहतरमा को ही देख लो, ये अपनी स्कूटी को रोड के बीचों बीच ऐसे चला रही है जैसे वो अभी अभी टेक ऑफ करने वाली हो। और जब पीछे कार लेके आ रहा बंदा उसे हॉर्न मारता है तो वो बिना देखे अपनी स्कूटी को रोड के बिल्कुल साइड में कर लेती है। सो ऐसी पापा की परियों को मेरा बस एक ही निवेदन है कि कृपया करके आप आसमान में ही उड़िए, कृपया जमीन पर आके हमें संकट में ना डाले। पहले के जमाने में पॉकेट मार होते थे जो छोटी मोटी चोरी करते थे, लेकिन आजकल के छोरों का बजट इतना बढ़ गया है कि वे गाड़ियां लेके पूरे तामझाम के साथ चोरी करने जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3-4 चोरों की टीम मारुति वैन लेके इस मोबाइल शॉप में चोरी करने आते हैं। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शॉप के साइड में गाड़ी खड़ी करके ये चोर शॉप का शटर तोड़ने लगते हैं। लेकिन इस बार इन बिचारों की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, क्योंकि शॉप में से उसे कुछ भी नहीं मिलता और उसे खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। अगली वीडियो श्रीलंका की है, जिसमें दो ट्रांसपोर्ट ट्रक का माइनर एक्सीडेंट हो जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब ये वाला ट्रक रोड क्रॉस कर रहा होता है, तभी उसी रोड पर से एक और ट्रक वहां से गुजरता है, जिनसे क्रॉस कर रहे उस ट्रक का फ्रंट उस दूसरे ट्रक के बैक में लग जाता है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली किसकी गलती की वजह से ये हुआ, आप ही कमेंट करके बताओ। दोस्तों, लास्ट इंसिडेंट की बात करें तो ये वाला इंसिडेंट हुआ है महिंद्रा बोलेरो पिकअप ट्रक के साथ, जिसमें जब ये पिकअप वाला अपनी गाड़ी रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा था, तभी गलती से गाड़ी ज्यादा पीछे चली जाती है और पीछे लगे एक खंभे से टकरा जाती है। अब यहाँ पर एक नौसिखिया ड्राइवर जब अपनी नई टाटा पंच को घर से बाहर निकल रहा था, तभी नई नई गाड़ी सामने की दीवार से भिर जाती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आगे स्पेस काफी कम होने की वजह से बाहर खड़ा एक बंदा गाड़ी चला रहे उस बंदे को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, लेकिन तभी ड्राइव कर रहे उस बंदे से गलती से एक्सीलेटर पर पैर चला जाता है और गाड़ी सामने की दीवार से टकरा जाती है। अब मिलिए इस वीडियो के सबसे बड़े बेवकूफ से, जो चलती कार में ऐसे ऐसे खतरनाक स्टंट कर रहा है कि अगर कोई छोटी सी भी गलती हुई तो धोने के लिए पिछवाड़ा भी नहीं बचेगा।
रहे हैं लोग, कहां से आते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी गुज्जू कार हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।